हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि स्वीट लस्सी कैसे बनाई जाती है। स्वीट लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको दही दही चाहिए, अच्छी वाली बढ़िया दही। अच्छी वाली बढ़िया दही आप अपने घर में जमा सकते हैं, बाजार से तो आपको मिलने नहीं वाली। घर में आप अच्छी भैंस का दूध ले लीजिए और उसको थोड़ा सा गढ़ा करके उसमें खटास लगा के दही की थोड़ी सी खटास लगा के उसको रख दीजिए और एक दिन बाद आपकी दही अच्छी जम जाएगी। या आप कार्डबोर्ड मेकर ले सकते हैं, उसमें दही जम जाएगी, बहुत बढ़िया दही जम जाएगी। उसके बाद उस दही को आपने मिक्सी में ले लेना है, मिक्सी में दही डाल के चीनी डाल के उसमें रख देना है और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड होने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध डाल देना, फिर ग्राइंड होने के बाद उसको गिलास में रख देना है डाल के। और उसके बाद जो मलाई जो दही आपने जमा के रखी थी उस दही के ऊपर मलाई आ जाती है, उस मलाई को अलग से उतार के उसके ऊपर रख देना है, उस गिलास के ऊपर रख देना है मलाई को और उसको फ्रिज में रख देना है। उसके बाद एक आध घंटे के बाद आपकी लस्सी तैयार है, ठंडी बढ़िया स्वीट लस्सी। खाने खास को आप चम्मच के साथ ही खानी पड़ेगी, ऐसे पी नहीं सकते, बहुत बड़ी गाढ़ी लस्सी बन जाती है। अश्विनी जी, अगर हमने क्या कहते हैं 20 बंदों की लस्सी बनानी हो तो वो कैसे बनेगी? उसके सिंपल यही का ये प्रोसीजर है। आपने क्या करना है कि उसी हिसाब से आपने कम से कम जितने भी 20 लीटर दूध ले लीजिए, ठीक है। 20 लीटर दूध लेने के बाद उसको थोड़ा गर्म करने के बाद वो जब 15 लीटर रह जाए तो उसको आपने दही लगा के जमा देना है। और अगले दिन, उसी दिन नहीं उसके अगले दिन, आप लस्सी एक दिन पहले का इंतजाम कर सकते हो आप लस्सी बनाने का। और ये बढ़िया लगे दही आपको घर में ही बनानी पड़ेगी, बाजार से आपको ये दही नहीं मिलने वाली। इसको आप अपने घर लेके उसके बड़ी सी हांडी में लेके, लस्सी आप छोटी मिक्सी में बना नहीं सकते, इसको बड़ी सी हांडी में लेके एक रेड़ा से लेके उसको मदद के ग्राइंडर से, ग्राइंडर आता है, ग्राइंडर से आप अच्छी तरह लगा सकते हैं और उसमें चीनी वगैरह हिसाब से स्वाद अनुसार डाल के उसको बना सकते हैं। फ्लेवर के लिए आप उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। कुछ इलायची पाउडर डाल सकते हैं, उसको पाउडर आ जाएगा। इससे आप स्वीट लस्सी घर में बढ़िया क्वालिटी की पी सकते हैं। सर, कभी कभी ना लस्सी खट्टी बन जाती है, मतलब कि टेस्ट भी खराब हो जाता है, ये क्या रीज़न है? अगर आप बाहर से दही लोगे तो आपकी ये चांसेस हैं, अगर आप घर में दही जमाओगे बढ़िया अच्छी क्वालिटी दूध लेके। ये खट्टी क्यों बनती है, खट्टी क्यों बनती है? इसीलिए अगर आप बाहर से लेते हैं बाहर की स्प्रेटा दूध की वो बना लेते हैं, उसमें से क्रीम निकाल लेते हैं दूध में से, उसकी दही जमा के आप लोगों को भेज देते हैं और आप लोग उसको खरीद के घर में पीते हो, आपको खट्टी लगती है। मतलब कुछ कुछ पुरानी भी होती है, पुरानी भी यही। ठीक मतलब ताजी ही दूध लेके आप घर में लेके अपनी बनाइए, ठीक है, बढ़िया लस्सी का। ओके, थैंक यू।